नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज चारू ध्वनि इकनूर एंड पानवी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। दे हैड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म लास्ट ईयर ओनली, ओके, थ्रू अ वर्बल एग्रीमेंट। इनके बीच में कैसा एग्रीमेंट था? वर्बल। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द फर्म एंड टू मीट अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फ्यू पार्टनर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म। कुछ पार्टनर्स ने लोन भी प्रोवाइड किया हुआ है। विद इन अ ईयर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ और करो वर्बल एग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए। वर्बल में तो ज्यादा होते हैं। टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट एंड दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। चलो जी, हो गया बिजनेस, हो गया, ठीक है। द फर्म हैड अपॉइंटेड मिस काव्या, हु इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लीगल कंसल्टेंट टू कैरी ऑन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो मिस काव्या को इनवाइट किया गया है कि भैया ये जो हमारा डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है इसको आप कैरी करोगे, सारा आपको देंगे। आगे देखो, आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस मिस काव्या हैड ट्रांसफर्ड वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू द रिलेशन अकाउंट, यानी कि ये वाला काम तो उन्होंने कर दिया, पहला स्टेप यही होता है, ठीक है। देन ड्यू टू हर बिजी स्केड्यूल मिस काव्या हैड डेलीगेटेड दिस असाइनमेंट टू यू। क्या बात है, ठीक है, पर आपके पास तो टाइम ही टाइम है। बीइंग एन इंटर्न इन हर फर्म, इंटर्न का मतलब समझते हो, जो ट्रेनिंग वगैरह के पर्पज से करते हैं विदाउट पेइंग। अभी मैं सुनूंगा पैसे वगैरह आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ठीक है, आपको ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग ले रहे हो फॉर काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। चलो जी, आप लोगों को कहा गया तो आप लोग करो फिर। तो पहली जो जनरल एंट्री जो आपको आपने देखी, जो ट्रांजेक्शन आपके आगे आई है वो ये आई है। ध्वनि लोन्स ऑफ 50,000 टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाई पेइंग 52,000। तो आप इस चीज को ऐसे समझो, लोन कितना है? 50,000 का। तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊंगा तो मैं, भैया लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है, और फर्म जब पार्टनर का लोन पे करती है, लाइबिलिटी को तो वैसे क्रेडिट किया जाता है, जब उस लोन को पे किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा? डेबिट। तो कैन आई से दैट ध्वनि लोन अकाउंट डेबिटेड होगा? होगा या नहीं होगा? कितने अमाउंट से होगा? 50,000 वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। तो टू बैंक अकाउंट 42,000। अब यहां आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा, जो भी फायदा होता है किसके थ्रू दिखाओगे? रिलाइजेशन। तो क्या लिखोगे? टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 8,000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई आपको? ध्वनि इज लोन अकाउंट डेबिटेड 50,000, टू बैंक अकाउंट 42,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। यहां तो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, चले आगे। चलो जी, तो नेक्स्ट केस है, पार्ट टू। पावनीज लोन ऑफ 40,000 वॉज सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 45,000। 45,000। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन पावनी भी पार्टनर है, उसका लोन सेटल हो रहा, तो क्या करोगे? डेबिट। तो ये हो गया पावनीज लोन अकाउंट डेबिटेड, क्या हो जाएगा? 40,000 बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 45,000। 40,000 के लोन के बिहाफ पे फर्म को 45,000 के एसेट देने पड़े ना, लेकिन लोन तो 40 का दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू। अब देखो सिंपल सी बात है, आप ये समझो, जब आप रिलाइजेशन को सेल करते हैं, रिलाइज करते हैं, सॉरी, जब हम एसेट्स को सेल करते हैं, रिलाइज करते हैं, तो क्या एंट्री बनती है? ये बनाते हो ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस और नो? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कोई पार्टनर फर्म से एसेट को ले जाता है तब क्या एंट्री बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको कि जब एसेट फर्म से जा रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है,
यहाँ भी तो एसेट जा रहे हैं ना। अब ये एसेट किसको दे रहे हो आप? पाबनीस को। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टू रिलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा, 40,000। अब यहाँ पर क्या हुआ आपको, फायदा है नुकसान? नुकसान। तो यहाँ पर क्या करोगे, करोगे या नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं करेंगे? पावनीस लोन अकाउंट डेबिटेड सेटल हो गया आपका, कितने अमाउंट से हुआ है, टू रिलेशन अकाउंट 40,000। लेकिन आपने जो एसेट दिया वो किसके दिया, 45,000 के। एसेट किसके दिए, 45,000 के। समझ आ गया? ना करने का रीजन ये है कि दोनों ही साइड, अगर आप 5,000 का लेके चलोगे तो दोनों ही साइड आपका क्या, भाई 5,000 के आपके एसेट भी तो जा रहे हैं वो, और 5,000 का लॉस आप डेबिट करोगे तो दोनों में आएगा क्या, रिलेशन ही तो आएगा। रिलेशन टू रिलेशन तो कोई एंट्री होती नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो लिखोगे तो फिर 45,000 लिखना पड़ेगा आपको डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए, और दोनों ही जगह डेबिट और क्रेडिट में 5,000 जो आएगा आपका वो किसकी टर्म्स में आएगा, रिलेशन। समझ आ रही है? रिलेशन को ही आप डेबिट कर रहे हो, रिलेशन ही क्रेडिट हो रहा है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना ऐसा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो सेकेंड एंट्री जो बनेगी आपकी वो क्या होगी, पावनीस लोन अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू रिलेशन अकाउंट 40,000। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो। लोन टू चारू ऑफ 60,000 वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूस ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। भैया फॉर्म ने फॉर्म ने लोन चारू को कितना लोन दिया हुआ था, वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूस ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट, और फॉर्म ने चारू के ब्रदर से कितने का लोन लिया हुआ था, सेम अमाउंट का लिया हुआ। तो फॉर्म ने क्या कहा कि भैया आपके ब्रदर का जो ये लोन है हम आपके लोन से क्या कर रहे हैं, सेटल कर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, फॉर्म ने क्या कहा, लोन टू चारू, फॉर्म ने जो चारू को लोन दिया हुआ कितने हजार का दिया हुआ है, 60,000, वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ये क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और ये क्या है, पार्टनर का लोन। और जितनी भी लाइबिलिटीज वगैरह होते हैं किसके थ्रू पे की जाती है, रिलेशन में। हमें जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होते हैं वो किस में पे करते हैं, रिलेशन में पे करते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो क्या ये एंट्री क्लियर हो गई आपको, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू चारूस अकाउंट। भैया उसके ब्रदर को जो लोन पे करोगे डेबिट साइड में पे किया जाएगा, रिलेशन अकाउंट क्या हो गया डेबिट, और जो उसको पे किया वो एडजस्ट किसके थ्रू हुआ है, जो चारू को लोन दिया था। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो आप इस चीज को ऐसे समझो कि लोन टू चारू जो है वो क्या है, एसेट है। लोन टू चारू है वो क्या है, एक एसेट है। वो चारू का ब्रदर का जो लोन है वो एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ना, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, रिलेशन अकाउंट में कर देते हैं ना। जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और जब इनको पे किया जाता है, जब इनको पे किया जाता है, कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो तो किसमें कन्वर्ट हो गई है आपकी, रिलेशन। जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है किसमें पे कन्वर्ट हो गई आपकी, रिलेशन। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, देखो आपने क्या किया, आपका ये जो एसेट था, आपका ये जो एसेट था वो खत्म हो गया। एसेट खत्म होगा तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, करोगे ना क्रेडिट। और आपने क्या किया, जब एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे किया जाता है तो रिलेशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो रिलेशन अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू लोन टू चारूस अकाउंट। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जी। नेक्स्ट आपका एक नूर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एंड शी टू कवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्म इकनूर का लोन पे कर रही है, तो फर्म क्या लिखेगी, इकनूर्स लोन अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आएगा, 80,000। कितना आएगा, 80,000। अब यहां पर क्या है, वो मशीन लेके जा रही है, मशीन फॉर्म के लिए क्या है, एसेट। तो मैंने क्या कहा, जब भी एसेट जाएंगे तो आप रिलेशन को क्या करोगे, क्रेडिट। तो आपने लिखा टू रिलेशन अकाउंट,
टू रिलेशन अकाउंट 60,000, ये क्लियर हो गया. एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट, और व्हाट अबाउट अदर 20,000 टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा 20,000, ये क्लियर हो गया. तो क्या ये एंट्री क्लियर हो गई आपको? इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू बैंक अकाउंट 20,000 टू रिलेशन अकाउंट 60,000, समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी. Now next question is, क्वेश्चन नंबर 23 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज, नाम भी बड़ा खतरनाक ही है, ओटवा लिमिटेड, ठीक है, वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर, ओके, देन पर शेयर वैल्यू कितनी है 100 रुपीज. फिर क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर. हमारे लिए जो मेन इंफॉर्मेशन है, वन ऑफ द मेन इंफॉर्मेशन तो है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 60,000 फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 25% प्रीमियम. तो पर शेयर की कॉस्ट मैं बोल सकता हूँ 100 + 25 होगी, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज, द शेयर वॉज पेबल एज ₹40 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम. तो अगर आप इसको 100 रुपीज है, ठीक है, 100 + 25, आपको कहा गया कि प्रीमियम एप्लीकेशन पर कितना पे करना है आपको, 40 रुपीज. तो बाकी अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रुपीज, और प्लस इसमें प्रीमियम. तो क्या कहने से था, अलॉटमेंट पर शेयर अमाउंट कितना कंपनी रिसीव करेगी, 85. ये क्लियर है सबको, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज, पब्लिक हैड ऑफर्ड फॉर 85,000 शेयर. पब्लिक ने कितने शेयर के लिए ऑफर किया, 85,000, ठीक है. तो प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशियो 5:4. इन द रेशियो 5:4 का मतलब ये हो गया, आप इसको ऐसे समझो कि भैया आपको कंपनी कितने शेयर अलॉट कर रही है, 60,000. तो 60,000 पर अगर मैं अप्लाई निकालना है मुझे, तो मैं यही करूंगा ना 5/4. तो आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 75,000. ये आ गया सबका, ये 4 से कैंसिल किया होगा, ये 15,000 आया होगा और 75, यानी कि रेशियो बन गया कि 75,000 के लिए अप्लाई किया है, तब आपको कंपनी ने कितने शेयर दिए हैं, 60,000. तो ये रेशियो का भी समझ में आ गया. एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन, रिमेनिंग कितने रह गए, 85 में से 75 तो यहाँ आ गए प्रोराटा में, बाकी के जो 10,000 है वो रिजेक्टेड हो गए. वो क्या हो गए, रिजेक्टेड हो गए. यहाँ तक क्लियर हो गए सारी चीजें, ठीक है. फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, मिस्टर आनंद होल्डिंग 4,000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी. तो ये पर शेयर जो कॉस्ट थी 85 रुपीज पर शेयर, यहाँ पर मिस्टर आनंद ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, सिर्फ क्या पे किया है, एप्लीकेशन, ठीक है. होल्डिंग, इनके पास 4,000 शेयर है, तो अप्लाई निकालना पड़ेगा. तो अगर मैं मिस्टर आनंद का अप्लाई निकालता हूँ, तो क्या होगा, 4,000 × 5/4, यानी कि अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा, 5,000. ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियर होगी, यानी कि आपने डिमांड की होगी 5,000 शेयर की, तब कंपनी ने आपको 4,000 शेयर अलॉट किया होगा. ये क्लियर हो गया, ठीक है. तो बिकॉज मिस्टर आनंद ने ये अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो इनके शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए. कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, 4,000. आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 पर शेयर, एट अ डिस्काउंट ऑफ, कंपनी तो लूटी जाएगी, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज पर शेयर. समझ आ रहा, 20 रुपीज पर शेयर, यानी कि 3,000 शेयर रीइश्यू हुए हैं और कितने रुपीस. तो भाई पूरा तो आपका अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो फेस वैल्यू लेके चलोगे, यानी कि जो 100 रुपीज का शेयर था, कंपनी ने कितने रुपीज में इशू किया पर शेयर, 80 रुपीज, 20 का डिस्काउंट, रीइश्यू पे तो डिस्काउंट होता है. पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक ऑफ ओटवा लिमिटेड. क्वेश्चन सारा क्लियर, ठीक है. तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं वर्किंग नोट की. तो वर्किंग नोट में ये चीज क्लियर है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, 25 रुपीज का क्या है, प्रीमियम है. इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भैया 40 रुपीज तो किस पे करना है, एप्लीकेशन,
बाकी फेस वैल्यू रहेगी 60 रुपीज और 25 रुपीज का प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही देना है, यानी कि अलॉटमेंट में पर शेयर जो है आपका वो हो गया 85 का। ये क्लियर? अब देखो कंपनी ने जो शेयर इश्यू किया कितने किया, 60,000, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज प्लस 25 प्रीमियम। तो कंपनी जब एप्लीकेशन अमाउंट, जो एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव किया है कितने शेयर पर रिसीव किया है, 85,000 शेयर। कंपनी ने इशू तो किए थे 60,000, लेकिन लोगों ने जो अप्लाई किया वो कितने शेयर के लिए किया है, 85,000। पहले बताओ ये बात क्लियर है? ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कि कंपनी ने क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट का यूज किया, और उसका जो रेशियो है वो क्या था, अगर आप 5 शेयर के लिए अप्लाई करते हो तो यू विल गेट 4 शेयर। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि भैया कंपनी ने अलॉट कितने किया, वो तो फिक्स है, वो तो हमें पता ही है, जितने हैं उतने अलॉट करी कंपनी, कितने शेयर अलॉट करी 60,000। तो अप्लाई कितने शेयर के लिए हुआ होगा, अप्लाई निकालना था, अप्लाई वाला जो रेशियो शेयर है वो ऊपर रखोगे, तो आपने किया होगा अप्लाई को मान लो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर मान लो एक्स है, कितने हैं एक्स, तो आपने कहा एक्स विल बी इक्वल टू 60,000, अप्लाई शेयर कितना है आपका 5/4, अप्लाई वाला जो है वो कितना है 5, इसको सॉल्व किया होगा तो ये आ गया होगा 75,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और बाकी के जो 10,000 शेयर है, बाकी के जो 10,000 शेयर है वो कंपनी ने क्या कर दिए होंगे, वो रिजेक्टेड, तो अमाउंट टू बी रिफंडेड। कितना अमाउंट रिफंडेड होगा भैया, 10,000 शेयर पर इन्होंने एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर कितना पे किया, 40, तो कंपनी इनको इनके पूरा पैसा 4 लाख रुपीज रिफंड कर देगी। ये क्लियर? तो अगर मैं फर्स्ट एंट्री की बात करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट एंट्री की बात करता हूँ तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 85,000 शेयर। पहले बताओ ये क्लियर हो रहा है? कैसे, आपने 85,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा और पर शेयर आपने कंपनी को अगर 40 रुपीज दिए होंगे तो कंपनी के पास एप्लीकेशन अमाउंट जो गया होगा वो गया होगा 34 लाख। यही आ रहा है सबका, फर्स्ट एंट्री सबकी ठीक है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होती है आपकी सेकेंड एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट केस किसका होता है आपका, वो होता है आपका सेकेंड एंट्री का, सेकेंड एंट्री, ये सबसे। अब इसको ध्यान से समझो, अब देखो कंपनी के एप्लीकेशन अकाउंट में कितने पैसे आ गए हैं, 34 लाख, कितने आ गए 34 लाख। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ट्रांसफर होती है, कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है 60,000, कंपनी ने आपको 60,000 ही अलॉट कर रही है ना, और एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है, एप्लीकेशन में फेस वैल्यू कितनी है 40, तो 60,000 इंटू 40, तो 34 लाख में से कहने से 24 लाख तो यहाँ ट्रांसफर हो गया। यस और नो, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, फिर आता है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस पे बाद में आता हूँ। पहले बताओ ये क्लियर हो गया कि रिफंड होगा 4 लाख का? अब ये तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो भैया, कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्टली बताऊं तो बैलेंसिंग फिगर से, एक तो ये मेथड है। दूसरा देखो, आपने 75,000 शेयर के लिए प्रोराटा अप्लाई किया ना, प्रोराटा पे 75,000 का अप्लाई हो रहा है तो आपको कितने मिले हैं 60,000, तो एक्सेस शेयर कितने हैं, एक्सेस 15,000, तो 15,000 इंटू 40 36 लाख, दैट इज 6 लाख। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो वर्किंग नोट में कैसे दिखाओगे वो भी दिखाए, तो सेकंड वर्किंग नोट जो आपका बनेगा उसमें आपको यही शो करना होता है। आप क्या लिखोगे, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 75,000 शेयर, प्रोराटा की जो वर्किंग नोट होती है आपकी, ये लिखोगे ना 75,000 इंटू 40, तो कितना आएगा कंपनी के पास, कितना है 30 लाख। ये क्लियर हो गया, कंपनी के पास कितना है 30 लाख, लेकिन एप्लीकेशन मनी टू भी रिसीव, लेकिन एक्चुअल में कितना आना चाहिए कंपनी के पास, 60,000 इंटू 40 दैट इज 24 लाख, तो जो एक्सेस अमाउंट कंपनी के पास आया है जो अलॉटमेंट में एडजस्टेड होगा वो कितना होगा 6 लाख। अब समझ में आ गया, वर्किंग नोट में ऐसे दिखाओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तक? तो पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये 6 लाख समझ में आ गया? बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी हो सकते हो, वर्किंग नोट में कैसे दिखाना वो भी समझ में आ गया। क्लियर है सबको? ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट एंड रिफंड। जो एप्लीकेशन मनी है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और उसको रिफंड भी कर दिया आपने। ये क्लियर है सारा पॉइंट? ठीक है, इसके बाद आती है आपकी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में आप कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट को ड्यू करेगी। तो अलॉटमेंट को जब कंपनी ड्यू करेगी तो भैया आपको पता ना, अलॉटमेंट जब शुरू होता है तो जितने शेयर कंपनी ने अलॉट कर रखी होता है वो वहीं से शुरुआत होती है। तो कंपनी ने बाबू कितने शेयर अलॉट कर रखे हैं, 60,000, कितने कर रखे हैं 60,000,
और पर शेयर अलॉटमेंट का कितने का है 85। तो कहने से कंपनी आपको क्या कहेगी भाई लाओ भाई लाओ हमें अलॉटमेंट पर आपको 51 लाख रुपीज दो। और कैसे 51 लाख को कंपनी एक्सप्लेन भी करेगी। कंपनी कहेगी 60,000 शेयर की अलॉटमेंट की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट पर 60 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू बनती है 36 लाख और प्रीमियम कितना पर शेयर 25 रुपीज। तो 60,000 × 25 प्रीमियम का आपको हमें देना 15 लाख। तो कंपनी कह रही है फेस वैल्यू और प्रीमियम का मिला के आपको हमें टोटल देना 51 लाख। पहले बताओ ये चीज क्लियर, कितना देना है 51 लाख। अब एक बात बताओ आप क्या कहोगे, 6 लाख तो आपके पास ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है तो 51 में से 6 निकाल दो कितना रह गया 45। बेसिकली कंपनी बात अब कंपनी को रिसीव कितना करना है आपसे 45। लेकिन यहाँ पर एक महाशय ये बैठे हुए हैं ना ये मिस्टर आनंद, इसका भी तो केस निकालना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर आनंद ने क्या किया है पेड टू पे अलॉटमेंट मनी। तो कौन सी नेगेटिव से भी अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो जब आपने ये अमाउंट कैलकुलेट किया होगा तो पहले तो आप देखो जो शेयर है रेशियो यही था ना 5:4 नंबर ऑफ शेयर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि मिस्टर आनंद के पास अलॉटेड शेयर कितने हैं 4000। ये क्लियर है आपको। पहले हमें क्या निकालना होगा कि अप्लाई कितने के लिए क्या हुआ, क्योंकि रेशियो तो यहाँ पर 5:4 है। तो अगर अप्लाई निकालना तो अप्लाई का जो शेयर है वो कितना 5। तो आपने लिखा होगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय आनंद दैट इज 5/4 × 4000। यहाँ आपका आया होगा 5000। ये क्लियर है सबका। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि मिस्टर आनंद ने 5000 शेयर के लिए क्या किया अप्लाई किया। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब आगे देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड तो 5000 शेयर पर कंपनी ने कितने पैसे रिसीव किए होंगे 40 रुपीज के हिसाब से। मिस्टर आनंद ने कंपनी को दिए होंगे 2 लाख दिए होंगे ठीक है। लेकिन कंपनी ने जो मिस्टर आनंद को शेयर दिया उसकी एप्लीकेशन वैल्यू कितनी थी 1,60,000। तो कितना पैसा मिस्टर आनंद का अभी भी कंपनी का बच गया 40,000 रुपए। ये चीज समझ में आ गई ठीक है भैया। मैंने आपको 2 लाख दिया और आपने मुझे चीज दिया 1,60,000। इसका मतलब जो आपका आपके पास मेरा जो एक्सेस अमाउंट अभी ड्यू है वो कितना है 40,000। ये समझ में आ गया ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट पर एक शेयर की कॉस्ट कितनी थी इंक्लूडिंग प्रीमियम 85। तो कंपनी ने कहा कि भैया अलॉटमेंट पर आपको 4000 शेयर के हिसाब से आप हमें दोगे 3,40,000 शेयर। ये क्लियर है ठीक है। बट ऑलरेडी आपका 40,000 हमारे पास पड़ा हुआ है वो हम एडजस्ट कर रहे हैं, आप हमें दो 3 लाख रुपए। मिस्टर आनंद ने हाथ खड़े कर दिए नहीं है। इसका मतलब कॉलसी नेजर्स कितने अमाउंट का है 3 लाख। तो देखो 45 लाख में से 3 लाख ही नहीं आएगा, कॉलसी नेजर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो फाइनली आएगा कितना 42 लाख। ये समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट एंट्री देखो, तो देखो कंपनी के पास आना कितना है 45 लाख। 45 लाख में से 3 लाख का तो क्या हो गया कॉलसी नेरियर्स। ये वर्किंग नोट में अभी आपने शो किया है, यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट जो भी नंबर आएगा ठीक है। और उसके बाद बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कंपनी ने रिसीव कर लिया। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद तो वो केस है नहीं, इसके बाद फिर क्या हो गया कि जो ये शेयर थे कंपनी ने क्या कर लिया इनको फॉरफिट कर लिया। क्या कर लिया फॉरफिट। तो फॉरफिट की फर्स्ट एंट्री क्या होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जितने शेयर फॉरफिटेड हुए हैं 4000 उनकी फेस वैल्यू कितनी थी 100। समझ में आ गया। तो जब फॉरफिट की जो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी वो क्या होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4000 × 10 4 लाख। ये क्लियर क्लियर है सबको। क्या मिस्टर आनंद ने प्रीमियम पे किया, अगर पे किया होता तो क्या उसकी एंट्री शो करते हैं नहीं, लेकिन नहीं पे किया तो शो किया जाता है। कंपनी के लिए लॉस हो गया तो कंपनी यहाँ पर एसपीआर अकाउंट को क्या करेगी डेबिट करेगी। पर शेयर पे प्रीमियम कितना था 25 रुपीज। तो 4000 शेयर के हिसाब से मिस्टर आनंद ने 25 पर शेयर प्रीमियम पे करना था जो नहीं पे किया। तो कंपनी का जो एसपीआर अकाउंट डेबिट होगा वो होगा 1 लाख से। ये क्लियर। फिर आता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कंपनी ने जो अमाउंट फॉरफिट किया है जो शेयर फॉरफिट किया उसकी कितनी वैल्यूएशन जब हुए थे, यानी जितना अमाउंट आप पे कर चुके जो फॉरफिट हुआ, फॉरफिट का मतलब कैंसिलेशन, सारे पैसे आपने खत्म, कंपनी के लिए क्या हो गया प्रॉफिट। तो कंपनी इसको क्या करती है क्रेडिट करती है ना कंपनी का प्रॉफिट। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जितना अमाउंट मिस्टर आनंद ने दिया था कितना दिया था 2 लाख। आपको याद होगा 5000 शेयर पर
पर शेयर कितना पे किया था 40, तो सीधा 2 लाख रुपए दिया। इसमें से कुछ अमाउंट इनका अलॉटमेंट की फेस वैल्यू में एडजस्ट हुआ था, कितना 40,000। टोटल तो 2 लाख ही आया है, 2 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट हो गया है, जितना आपकी साइड से फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम होगा वो नहीं आएगा इसमें। समझ में आ गया था? ठीक है, बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, कॉल सीन एरियस, वो आप ये आपने निकाला भी है, सीधा वर्किंग नोट भी लिख सकते हो। 4+1 5 बैलेंसिंग फिगर से भी 3 लाख आएगा, वर्किंग नोट में अभी आपको निकाल के भी दिखा है कि कॉल सीन एरियस कितना है, 3 लाख। ठीक है, बींग शेयर फॉरफिटेड और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हुआ, शेयर इशू है क्या, सारे के सारे इशू है, कितने 3,000। तो देखो जब कंपनी ने 3,000 शेयर को इश्यू किया तो कैपिटल वैल्यू, तो अगर नहीं गिवन हो, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या लेते हैं, जो उसकी पर शेयर फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज। यानी कंपनी ने 3 लाख के शेयर जो है वो रीइश्यू किया है 20 रुपीज के डिस्काउंट पर, यानी कि रीइश्यू कितने पर हुए हैं, 80 रुपीज पर शेयर। तो कंपनी के पास कितने पैसे आ रहे हैं, 2,40,000, देख लिया। अच्छा, ये कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, जितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2 लाख का। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है कंपनी यहाँ पर, ये डिस्काउंट दे रही है ना जो कंपनी रीइश्यू पर, वो उतना ही दे सकता है जितने का कंपनी ने शेयर, 2 शेयर फॉरफिटेड वाला जो पार्ट है, समझ में आ रहा है, जो कंपनी ने प्रॉफिट लिया है। तो यहाँ पे कंपनी ने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 60,000। कुछ याद आ रहा है, 102 लिखा हुआ है, जो आप कैपिटल रिजर्व अमाउंट निकालोगे। अब कैपिटल रिजर्व अमाउंट जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 4,000, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितने हैं, 3,000, इनटू प्रॉफिट अमाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड वाला जो फर्स्ट पॉइंट वैल्यू थी प्रॉफिट अमाउंट वो कितना था, 2 लाख, माइनस डिस्काउंट, उसमें से डिस्काउंट कितना दिया है, 60,000। ये क्लियर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3,030 कैंसिल और 4,520, तो ये आ जाएगा 1,50,000। इसमें से 60,000 माइनस कर दोगे तो रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 90,000। एक कैलकुलेशन क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इस तरह से प्रॉपर क्वेश्चन होगा, इस तरह से इसके वर्किंग नोट वगैरह सारे आपको बनाने हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन। क्लियर होगी कहानी, ठीक है। अब इसका देखो और वाला पार्ट, आई एम श्योर ये आप लोगों ने कर ही दिया होगा। विक्रम लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 शेयर्स ऑफ राहुल, ठीक है, हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। तो यहाँ की आपने, यहाँ भी आपका एक वर्किंग नोट बनेगा, 6,000 शेयर के आपने एप्लीकेशन मनी दी होगी, वो आपकी एडजस्ट हुई होगी, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 वॉज पेड बाय हिम, आउट ऑफ दिस 3,000 शेयर्स वर इश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर एज फुली पेड। पहली चीज, तो एक चीज का ध्यान रखो यहाँ पर, देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कि अप्लाई कितने शेयर के लिए किया, 6,000, अलॉटेड कितने हुए, 5,000, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, 5 और 2 7, तो दिया कितना, 3 रुपए। सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, और एप्लीकेशन मनी में पर शेयर जो दिया वो कितना दिया, ₹3 दिया, एक ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाई हिम आउट ऑफ दिस 3,000। अब जितने शेयर ये फॉरफिटेड हुए थे, कैंसिलेशन हुआ था जितना, उसमें से 3,000 शेयर्स क्या हुए हैं, रीइश्यू हुए एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर एज फुली पेड, यानी कोई डिस्काउंट नहीं है, क्लियर है यहां तक। और देखो यहां पर भी मेंशन नहीं है ना फुली पेड, तो फुली पेड लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ फुली पेड, वैल्यू क्या लोगे पर शेयर, 10 रुपीज, 10 की चीज कंपनी ने 12 में दी, ये क्लियर है यहां तक। तो जो फर्स्ट एंट्री आपकी यहां पे बनेगी वो ये बनी होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹50,000, राइट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹50,000, कैसे, 5,000 शेयर फॉरफिटेड हुआ, पर शेयर की कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज, क्योंकि पूरी जो जब शेयर फॉरफिट हुआ है तब पूरी फेस वैल्यू उसकी शेयर की उस टाइम पर कितनी थी, 10 रुपीज, तक की पूरी कॉल हो चुकी थी, ठीक है। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, उसने जो अमाउंट पे किया है, उसने भैया 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन पर शेयर 3 रुपीज दिया था,
यानी कि उसने कितना अमाउंट पे किया था 18,000, ये आपकी फर्स्ट पॉइंट वैल्यू होगी, ये क्लियर। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर से कौन सी नियरेस्ट निकाल सकते हो, बैलेंसिंग 50,000 माइनस 18,000 32,000। और अगर वैसे अगर आप पूछना चाहो कि कैसे आएगा तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो भाई, टोटल एप्लीकेशन मनी फॉर्म ने जो उससे रिसीव की है वो कितनी है, 6,000 × 3, ये मान तो 18,000। ठीक है, और एक्चुअल फॉर्म ने जो उसको शेयर दिए वो कितने दिए, 5,000। तो एप्लीकेशन टू बी रिसीव कितना होना चाहिए था, 5,000 × 3, 15,000। तो उसका एक्सेस अमाउंट कितना बचा हुआ है अभी, 3,000। ये क्लियर हो गया। अब ना तो अलॉटमेंट दिया गया है ना फर्स्ट कॉल दी गई है, दोनों को मिला के अमाउंट कितना है पर शेयर 7। तो 5,000 × 7, 35,000 पे नहीं किया, नहीं किया पे, इसमें से 3,000 ये इसमें एडजस्ट कर दो तो फाइनली कितना पे नहीं किया, 32,000। ये कौन सी नियरेस्ट आ गया आपका, क्लियर हो गया। तो पर आइडियली इसको कैसे निकालना है आपको, बैलेंसिंग फिगर से, क्लियर हो गया अमाउंट। ठीक है, फिर क्या किया, रीइशू हुए शेयर, 5,000 में से कितने शेयर इशू हुए हैं, 3,000 शेयर, और कितने में इशू हुआ है पर शेयर 12 रुपीज। तो कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, 3,000 × 12, मैं बोलूं 36,000, बोलो भाई यस और नो, 36,000 आएंगे। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल वैल्यू कितनी होगी, फुली पेड अप है तो 3,000 × 10 दैट इज 30,000। पर शेयर हमने प्रीमियम कितना लिया है, 3,000, पर शेयर प्रीमियम है कितना, 2 रुपीज, दैट इज 6,000। तो हो गया 36 और 36 बीइंग शेयर इश्यू एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आपने निकाला होगा फिर इसका कैपिटल रिजर्व अमाउंट। तो देखो, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने थे, 5,000, उसमें से रीइश्यू कितना हुआ, 3,000। टोटल जो शेयर फॉरफिटेड वैल्यू थी वो कितनी थी, 18,000। क्या यहाँ पे डिस्काउंट है कोई, नहीं। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5, 6, 30, तो ये आपका हो जाएगा 10800, 18, 6, 10800, यानी कि 10,800। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दैट इज बी पार्ट, रतन लिमिटेड फॉरफिटेड 3,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, इश्यूड एट ₹2 प्रीमियम, मीन्स 10+2, ये क्लियर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ओके, फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड, फाइनल कॉल तो अभी हुई नहीं है, फाइनल कॉल अभी हुई नहीं है, यानी कि फाइनल कॉल अगर नहीं हुई है तो आप ऐसे समझो कि कॉल्ड अप वैल्यू कहां तक की जाएगी, फिर 3 रुपये हटा दो, 7 रुपये तक की कॉल हुई है ना, कितने, जब शेयर फॉरफिट हुआ तो कॉल कितनी हुई थी, 7 रुपये पर। तो शेयर, जब आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे तो आपने क्या होगा, 3,000 × 7 दैट इज 21,000, पहले बताओ ये क्लियर होगी बात। जब शेयर जिस पॉइंट पर फॉरफिटेड होता है वहां पर की जो भी कॉल्ड अप वैल्यू होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर पूरी हो चुकी है तो × 10 कर दिया, फेस वैल्यू, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर इश्यूड एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर एज फुली पेड। ओके, तो फर्स्ट एंट्री जो आपने इस केस में की होगी वो ये की होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,000 × 7 दैट इज 21,000। फॉरफिटेड उसने पे क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे किया 5 रुपीज, समझ में आ गया, और जो फर्स्ट कॉल थी वो उसने पे नहीं की 2 रुपीज की, और फाइनल कॉल अभी हुई नहीं है। मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि जो फर्स्ट कॉल है वहां तक की ही कॉल हुई है सिर्फ, या से 7 रुपीज तक की फेस वैल्यू कॉल हुई है, उसके बाद ही शेयर क्या हो गए, फॉरफिटेड हो गए, ये तो अभी फाइनल कॉल हुई नहीं है, ये क्लियर हो गया यहां तक, समझ आ रही है बात। ठीक है, तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना अमाउंट उसने पे किया पर शेयर, जो एप्लीकेशन पर पे किया था 5 रुपीज, फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया तो वो कॉल सीन एरियस हो गया, फर्स्ट कॉल पर शेयर कितनी थी, 2 रुपीज, तो ये हो गया 6,000। तो 15 + 6 21,000, 21,000 ये फर्स्ट पॉइंट वैल्यू हो गई आपकी 15,000, ये क्लियर हो गया। चलू आगे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, चलो जी आगे चलते हैं। अब क्या होगा, रीइशू, कितने शेयर इशू हुए, 2,000 शेयर, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, एज इट इज, तो 10 की चीज हमने 10 में दे दी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर इशू एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, ये भी क्लियर है सबको। ठीक है, फॉरफिटेड कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला होगा आपने, कितने शेयर फॉरफिटेड हुए थे, 3,000,
नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितने हैं 2000, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था शेयर फॉरफिटेड पर 15000, और डिस्काउंट को हमने दिया ही नहीं है। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा 3 5 15 तो ये आ जाएगा 10000। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड 10000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10000। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नरेशन वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बीइंग गेन ऑन रीश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है,